हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यू आर वाचिंग लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड 2006 मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएसजे मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द क्वेश्चन इज, हु कैन सू फॉर द डिवीजन ऑफ भूमिधरी होल्डिंग्स एंड हु आर नेसेसरी पार्टीज टू सच सूट। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। सो आपका ये क्वेश्चन जब हायर जुडिशरी में पूछा गया तो लोअर जुडिशरी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हमें ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपका देखने को मिल जाए पेपर में। सो हैव यू हैव टू राइट टू सेक्शन, सेक्शन 116 एंड 117। देखिए, यहाँ पे जो भूमिधर है उसके पास ये राइट होती है दैट ही कैन फाइल द सूट फॉर द डिवीजन ऑफ होल्डिंग। उस केस में क्या है कि ही हैज़ टू बी को शेयरर इन द होल्डिंग। सबसे पहली बात तो ये, अब उस होल्डिंग में ट्रीज, वेल्स, इंप्रूवमेंट सब कुछ होंगे, उनको डिवाइड एडजस्ट कर दिया जाएगा। कोर्ट की ड्यूटी होगी ये करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ये है कि हु आर द नेसेसरी पार्टीज टू सच सूट। सो बेसिकली ग्राम पंचायत इज मेड दैट नेसेसरी पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 117 में क्या है, देखिए 117 इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। मतलब जब कभी भी आपका ऐसा कोई भी सूट फाइल किया जाता है तो कोर्ट की क्या ड्यूटी है। सबसे पहले तो आप यही बताएंगे कि कौन से कोर्ट में फाइल किया जाएगा, असिस्टेंट कलेक्टर के कोर्ट में, ठीक है। सो अथॉरिटी यहाँ पे आप गलत नहीं कर सकते, कैन नॉट गो रॉन्ग विद द अथॉरिटी। ये बहुत ध्यान में रखना है कि असिस्टेंट कलेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप कोई और अथॉरिटी यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने मेंशन किया तो आपके मार्क्स भी चले जाएंगे वहाँ पे, फिर यू विल लूज़ योर मार्क्स। सो डू रिमेंबर द अथॉरिटी। सो मूविंग ऑन, असिस्टेंट कलेक्टर यहाँ पे अथॉरिटी आपको क्लियर हो गया। सो व्हाट ही विल डू, ही विल कीप इन माइंड व्हाट एवर द प्रोसीजर इज देयर, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे। देयर आफ्टर ही विल अपोर्शन द लैंड रेवेन्यू पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिवीजन। यानी कि जो भी रेवेन्यू है उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से वैल्यूएशन वगैरह निकाल के रेवेन्यू विल बी डिवाइडेड। आई होप सो आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आपको बस यही लिखना है, सेक्शन 116, सेक्शन 117। अगर आपको लगता है तो आप पासिंग रेफरेंस में सेक्शन 118 भी लिख सकते हैं, सरेंडर बाय द भूमिधर, बिकॉज इन दैट केस असामिया और भूमिधर, देखिए सबसे पहली बात है कि दोनों के पास ये राइट होती है। व्हाट दे विल डू, एक नोटिस लिखेंगे, ठीक है। इन राइटिंग दे विल सबमिट दैट नोटिस टू द तहसीलदार, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी तहसीलदार है। अब नोटिस में क्या लिखा जाएगा, देयर इंटेंशन ऑफ गिविंग अप द पोजेशन, ठीक है ना, दे होल्ड इंटरेस्ट इन द लैंड। उसके बाद क्या होगा, तहसीलदार व्हाट ही विल डू, ही विल डिवाइड द रेवेन्यू। अब वो प्रॉपर्टी मान लीजिए लीज आउट थी या नहीं थी, इससे कोई मतलब नहीं है, गिव अप कर दिया। उसके बाद जो है तहसीलदार का यही काम है कि उसको जो भी रेवेन्यू वगैरह है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। सो इन दैट केस आप सरेंडर को थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, बट मेन सेक्शन तो सेक्शन 116 और सेक्शन 117 है यहाँ पे। सो ध्यान में रखना, सूट फॉर द डिवीजन ऑफ होल्डिंग आपके 116, 117, सेक्शन 118 इन केस यू वांट टू राइट। अगर भूल भी गए सेक्शन 118 तो भी ठीक है, बट 116 और 117 आप नहीं भूल सकते। आई होप सो समझ में आया हो आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए थे एंड यू हैव वॉच दिस होल वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।